हेलो नमस्कार, मैं रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। और आज हम आए हैं पटना यूनिवर्सिटी के मिंटो हॉस्टल में, जो बहुत ही पुराना हॉस्टल है पटना कॉलेज का। और हम लगभग इसके जो इसमें जो छात्र रह रहे हैं, इसमें जो क्या क्या असुविधा है और जो जर्जर स्थिति हो गई है हॉस्टल का, इसको हम देखेंगे और हॉस्टल के छात्रों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर छात्र हैं हरीश भाई। और क्या नाम है पूरा आपको? मेरा हरीश कुमार, मैं तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और मेरा डिपार्टमेंट हुआ फिलोसफी। ठीक है, तो हरीश भाई हमको हॉस्टल दिखाइए और जो जर्जर व्यवस्था है उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, आइए आप आगे हमको एक एक रूम बताइए हरीश भाई, क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए टोटल कुल 56 रूम है और जिसमें छात्रों की संख्या अगर अलॉटमेंट के हिसाब से देखे तो ऐसे तो 92 सीट है यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए, लेकिन उतना तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ 50-55 के आसपास रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बुनियादी सुविधा जैसे कि पानी, कैंटीन मेस वगैरह का भी सुविधा यहाँ पे मुहैया नहीं करवाया जाता है कॉलेज प्रशासन की वजह से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की वजह से। क्योंकि इस कारण की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि छात्र लोग को खाना खाने के लिए भी दूर जाना पड़ता है, जिस वजह से पढ़ाई के लिए भी सोचना पड़ता है और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि ये लोग थक जाते हैं पहले से ही। अभी तो देख रहे हैं कि आप सिलेबस सीबीसी सिलेबस है तो एईसीसी। तो सबसे पहले आप मतलब सरकार से या फिर जो वीसी हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आपका? वीसी से मेरा मांग यही होगा, हमारे पूरे हॉस्टल के छात्र भाई लोग से, मतलब साथी से, कि हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि एक बार आप जो छात्रों को बदनाम करते हैं कि लड़ाई झगड़ा करके हॉस्टल को तहस नहस करता है, कैंपस का नाम बर्बाद करता है, तो एक बार छात्रों के हितों के बारे में भी सोचा जाए और छात्रों का असुविधाओं के बारे में पूछा जाए, खुद से आके कभी राय ले ताकि छात्र भी उनसे खुल के, क्योंकि यहाँ पे कई छात्र हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं और उनका गार्जियन के तौर पे यहाँ पे वीसी डीन प्रोक्टर और प्रिंसिपल ही होते हैं। इसमें रहने का कोई चार्ज लगता है आप लोगों? जी चार्ज लगता है, 2760 रुपए लगता है पार्ट वन में, और उसी के हिसाब से। मेस कितना दिन से बंद है? मेस लगभग 1.5 साल से बंद है। और साफ सफाई का? साफ सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त होते हैं लेकिन आते नहीं हैं। तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते? कंप्लेन करते हैं लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग के पास कर्मी, मतलब सफाई कर्मी का बहुत कमी है, इसलिए एक कर्मी है तो एक दिन इस हॉस्टल में एक दिन उस हॉस्टल में। लेकिन आप समझते हैं ना सरकारी नौकर कैसे होते हैं। मुझे कोई ऐसा जर्जर जो स्थिति बना हुआ है ऐसा रूम या फिर जो है वो? जी आप वहाँ पे देख लीजिए, ये अपना 107 साल पुराना, ये हेरिटेज घोषित है, वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम आता है, 107 साल पुराना हॉस्टल है अपना। और वो स्थिति देख रहे हैं कि वहाँ पे अगर देखभाल नहीं होने के कारण। जी ये सब देखिए, जब हॉस्टल सील हुआ था, प्रिंसिपल हैं या फिर वीसी हैं आते नहीं है सब? नहीं नहीं, अभी हॉस्टल में कभी आते ही नहीं, कभी आते नहीं है और उन लोग को कोई मतलब नहीं है हॉस्टल से। वो लोग चाहते हैं कि हॉस्टल बंद हो जाए और इसको तोड़ने का कोई उनको वजह मिल जाए। और जो छात्र नेता आपके हैं अध्यक्ष, वो लोग भी नहीं आते हैं? अरे छात्र नेता का क्या कहिएगा, नेता एक ही तरह होता है, वादे कुछ और कार्य कुछ और होता है। तो नेता लोग तो चुनाव से पहले क्या क्या वो लोग वादा करते हैं, नहीं करते? चुनाव से पहले आपको भी पता है नेता बोलते हैं कि ताजमहल बनवा देंगे, ताजमहल तो छोड़िए। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अभी तो खत्म हो गया, निलंबित हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि अभी खत्म हो गया कार्यकाल उन लोग का, तो अभी अध्यक्ष चुनाव फिर से होगा, चुनाव फिर से होगा अगस्त में, सुनने में आ रहा है कि अगस्त में शायद हो। तो देखिए अंदर से रूम का, रूम का हाल देखिए, हम लोग का जीरो सेशन लगा तो कई लोग चोर वगैरह भी घुसे थे यहाँ पे, चूंकि सब खुला खुला है, इधर चोर फोड़ किया है, देखिए गेट भी खुल गया है। और इस साइड देखिए, अगर देखे तो इस साइड गेट में बाथरूम का भी जर्जर स्थिति है, आपस में ही पैसा कलेक्शन करके लाइट वगैरह थोड़ा बहुत जो होता है सो हम लोग लगाते रहते हैं। अच्छा अच्छा जी। और आगे अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग के लिए लगभग जो कहते हैं बहुत सारे ऐतिहासिक यहाँ पे धरोहर है। और इसका मतलब जो है और कुछ बताइए मिंटो हॉस्टल का जो खास है, जिसे सरकार बचाना ही नहीं चाह रही है, इसको बर्बाद कर रही है। जैसे कि देखिए ये छात्रावास ऐसा है कि इसका 9 नंबर कमरा है, 9 नंबर कमरे में बाबा प्रेमचंद रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो यही के छात्र थे, जिनका कमरा संख्या था 9। अच्छा, वो 9 में अपना रहते थे और अध्ययन करते थे। कौन सा रूम था? रूम कौन सा?
और ये देखिए जर्जर स्थिति देखिए, और लगभग सरकार भी ऐसे ध्यान नहीं दे रही है, और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है और चाह रही है सरकार की ये किसी भी तरह ग्रस्त हो जाए, क्षतिग्रस्त हो, ताकि उनको भी मौका मिले कि अब ये तो गिर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तोड़ा नहीं है, अपने आप गिरा है। तो मेरे हिसाब से छात्रों को, यहाँ के जो हॉस्टल के छात्र हैं, इससे सिर्फ बदनामी किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, तो काम है वो एक्चुअली होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जी जी, नहीं ना, पढ़ाई में भी दिक्कत होती होगी, पढ़ाई में बिल्कुल दिक्कत होती, डर बना होगा कि भाई कब गिर जाए। सही बात है सर, यहाँ पे हम लोग के पास लाइब्रेरी भी है लेकिन उसमें पढ़ने के लिए किताब नहीं है। आप आगे आ जाइए, आप आगे आगे रहिए, ठीक है, आगे रहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास देखिए टोटल ये 13 नंबर कमरा है जो मेरा कमरा है, और ये देखिए 12 नंबर है। ये तो चोरी का भी इसमें होगा पूरा कि भाई? जी जी, जब हम लोग का हॉस्टल सेल हुआ था तो उस दौरान ये सब हुआ है। अच्छा अच्छा, और फिर सारे कमरों का वो करने का सोचा होगा, साफ सफाई का भी कोई कर्मचारी आते नहीं है, वैसे ही है। ये देखिए यही 9 नंबर कमरा है, देख लीजिए आज ही अंदर, और ये कमरा जो है बहुत ऐतिहासिक कमरा है, इसमें रामधारी सिंह दिनकर रहा करते थे एक जमाने में। अच्छा, और उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें हैं इसमें। तो ये जो आप देख रहे हैं सारी लकड़ियां, ये सब अंग्रेजों के जमाने की है, और ये सब जो देख रहे हैं डुअल डोर सिस्टम, आप अंदर आइएगा तो एक बार दिखाएंगे हम आपको। ये डुअल डोर सिस्टम है कि एक अगर बाहर से हम लोग बंद करते हैं तो फिर एक ये हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ से भी बंद करते हैं तो इससे फायदा होता है क्या कि ग्लास है तो बाहर का आवाज अंदर नहीं आ पाता है, अंदर का आवाज बाहर नहीं, पढ़ने में दिक्कत नहीं, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। सुविधाएं बहुत अच्छी थी लेकिन इसका रख रखाव अच्छी तरह से नहीं हो रहा है इस वजह से। और ये अगर इस साइड दिखाएं तो इस साइड हम लोग का गार्डन है, आर्कियोलॉजिकल गार्डन जो बहुत ही ऐतिहासिक है, और इसकी मूर्तियां जो है बहुत पुरानी मूर्तियां और दुर्लभ मूर्तियां है, देखने को मिले। और दूसरी जगह इधर आइए, हरीश भाई, हरीश भाई इधर आइए, और अगर इधर देखे तो देखिए इस साइड भी तोड़ा फोड़ा गया था, तो हमने लाई जोड़ा है इसमें, आपसे आपने अपने से जी खुद से हम लोग किया, यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसा जैसे कुछ सहयोग नहीं मिलता है, जो भी होता है हम लोग का खुद का ही होता है। बोर्ड की स्थिति देखिए जर्जर है, ऊपर में देखिए सारा सिस्टम वैसा ही है, टूटा फूटा, पानी वानी का भी आने का, पानी आने का पूरा खतरा रहता है, देखिए जैसा पूरा जर्जर। अच्छा ये बताइए हरीश भाई कि इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए सबसे पहले तो छात्र कितना मेहनत करते हैं, जो इंटीरियर गांव से आते हैं वो तो पहले एंट्रेंस देते होंगे। जी हाँ, है ना, जी। और ये अलॉट कैसे होता है, हॉस्टल अलॉट, हॉस्टल अलॉट होता है नंबर बेसिस पे, जिसका जितना नंबर उस नंबर के हिसाब से हॉस्टल यहाँ पे अलॉट होता है। ये देखिए ये पूरा ऐसे लगा हुआ है जी, साफ सफाई की बहुत कमी है यहाँ, देख रेख सही से नहीं, इसलिए पूरा टूटता जा रहा है। जी जी, और आगे देखें तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे गिरता जा रहा है, छत गिरता जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इन सब चीजों पे यूनिवर्सिटी का ध्यान नहीं रहता है, विश्वविद्यालय हमेशा चाहती है कि छात्रावास जितने भी हैं पुराने छात्रावास उन सबको बंद कर दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए यहाँ के छात्रों को। सच में ऐसा होता है क्या, जो कांड वांड होता है ऐसा, तो कुछ ऐसा हमको तो देखने को नहीं मिला, हम आए बात की है, ऐसा तो कुछ है नहीं। छात्र है, सभी छात्रों का एक ही मकसद होता है कि हमने बहुत दूर से आए हैं, बड़ी मेहनत से आते हैं। आप सोचिए, आप ही पटना विश्वविद्यालय आना किसी भी छात्र का ख्वाब होता है, वो ख्वाब पूरा करने के लिए सभी पटना विश्वविद्यालय आते हैं, क्योंकि जिसका भी प्रतिशत 80 से प्लस होता है वही पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन ले पाता है, नामांकन उन्हीं का होता है जिसका 80% से अंक ज्यादा हो। तो आप खुद सोचिए जो 12th में 80% लाया, इस हॉस्टल में आने के लिए भी तो जी उसके लिए भी कट ऑफ लेता है, तो सोचिए कि इतना सारी प्रक्रिया पार करने के बाद जिसके ऊपर मतलब पटना विश्वविद्यालय आने से पहले कोई एलिगेशन नहीं लगा उसके जिंदगी में, 12th तक कोई एलिगेशन नहीं लगा, और आपके विश्वविद्यालय में आते ही वो आतंकवादी बन जाता है, वो मारपीट करने लगता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब ये बदनाम करने की साजिश जो है अब वो प्रशासन के तरफ से हो या फिर जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके तरफ से हो या विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से हो। जी, ये बदनाम करने की एक साजिश है छात्रों को कि ताकि ये हॉस्टल ही जो पुराना है, एक धरोहर है, इसे बर्बाद कर दिया जाए, जो एक तरह से शिक्षा पे प्रहार है डायरेक्ट। जी ठीक है, तो और जो छात्र यहाँ पे अब सोचिए कि बहुत ही गरीब छात्र आते हैं जो छात्रावास में रहने आते हैं, अब सोचिए उनका पारिवारिक स्थिति इतना मजबूत नहीं होता है जिससे वो 2,000-4,000 रुपए दे पाए, तो 2,000-4,000 रुपए न दे पाने वाले छात्र यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनका साल का किराया लग रहा है 2,700 से 3,000 रुपए, तो 3,000 साल में कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए उन्ही जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रावास रहते हैं। अभी सोचिए अगर छात्रावास बंद कर दिया जाए तो कितने लोग
जो रहेंगे जो दूर से आके यहाँ पे अपना तो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण अलग अलग सब्जेक्ट के हैं अलग जी अलग, जी पार्ट वन पार्ट टू ऐसे जी 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 आप कौन से डिपार्टमेंट से हम मेरा इकोनॉमिक अर्थशास्त्र विभाग है। आप इस हॉस्टल के लिए क्या मांग करते हैं बीसी से या फिर सरकार से? इस हॉस्टल के लिए यही मांग करते हैं हम कि इस हॉस्टल में इतना बंजर स्थिति है कि हम लोग अच्छा से पढ़ भी नहीं पाते हैं और तबीयत तो खराब होता ही है क्योंकि यहाँ की शुद्ध पानी नहीं मिलती है, अच्छा से स्नान करने के टाइम पे पानी नहीं आता है और जैसे कि हम लोग के पास साफ सफाई अगर रहेगा तो ही हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पढ़ाई अच्छा। और कुछ विशेष बताइए हरीश भाई यहाँ का। और अगर विशेष बताऊं तो यहाँ पे से बहुत सारे मतलब 77 से 80 जो 77 से 80 बैच जो था वो यहाँ के लिए ऐतिहासिक जो कहते हैं ऐतिहासिक बैच था जिसमें से 56 आईएएस ऑफिसर एक ही बैच से निकले थे। उसके बाद देखें तो हमेशा से मिंटो छात्रावास हमेशा से लड़ाई के साथ में पढ़ाई भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ के छात्रों का मानसिक स्थिति खराब है जिसके वजह से वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था ही वैसा है। अब आप छात्रों का मूलभूत सुविधा क्या चाहिए? ऐसे आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? हम जिला कौन सा? ऐसे मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ जहानाबाद। जहानाबाद जी। एक बार आप मेरे आप अपने दर्शकों को जो देखेंगे उनको ये बोल दीजिए कि जो ये चैनल है कनेक्शन जंक्शन इसे सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। आप जी जो भी आप हम लोग को देख रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के जो भी छात्र हैं हमारे साथी भाई वो सभी जो भी आप देख रहे हैं हम सभी को वो सभी कृपया करके इस जंक्शन कनेक्शन जंक्शन को आप लोग सब्सक्राइब करें एंड बहुत सारा प्यार दें ताकि हमारे साथी भाई आगे बढ़े और युवा हैं तो युवा ही सपोर्ट कर सकता है, आगे बढ़ाइए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं साथ में। और कुछ बताइए आप जो आपके अंदर जो है वो बताइए जो मांग है सरकार अंदर में तो बस यही मांग है कि हम लोग का सफर तो यहाँ खत्म हो गया, मेरा थर्ड ईयर का एग्जाम अभी चल रहा है तो हम लोग तो अब निकलने वाले यहाँ से, तो हम चाहते हैं कि जो मेरे छोटे भाई हैं पार्ट वन और पार्ट टू के जो सुविधा से हम वंचित रह गए वो सुविधा इन लोग को मिले ताकि जो चीज हम खोए वो चीज ये लोग पा सके। तो यहाँ से शिक्षा होने के बाद में आप फिर कहाँ जाएंगे? उसके बाद का सफर हम लोग बाद में तय करते हैं, फिलहाल यहाँ से निकलना हम लोग की प्रथम जिम्मेदारी। आप किस डिपार्टमेंट से? मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। हिस्ट्री से? यहाँ का व्यवस्था ठीक है या फिर इससे बेहतर होना चाहिए? नहीं यहाँ का व्यवस्था। हरीश भाई कहाँ गए? हरीश भाई एक सेकंड इधर आइए। लाइब्रेरी का क्या व्यवस्था है यहाँ? जी चलिए ना लाइब्रेरी दिखाते हैं आपको। लाइब्रेरी लाइब्रेरी भी पुराना होगा? जी लाइब्रेरी लगभग 106 साल पुराना है। अच्छा, क्योंकि लाइब्रेरी के बाद ही हम लोग का ये वाला मतलब तैयार हुआ था। और मेस कहाँ चलता था? मेस हम लोग का पीछे चलता था। वो भी बंद है? जी सारा कुछ बंद है, वहाँ पे तो अभी कूड़ा कचरा होगा। इस साइड देखे तो वो रहा हम लोग का प्रेमचंद लाइब्रेरी। अच्छा जी, ये भी बहुत पुराना है, लगभग कितना पुराना होगा? ये 107 साल पुराना लाइब्रेरी है, 106-107 साल पुराना है क्योंकि ये लाइब्रेरी के बाद ही ये वाला अपना छात्रावास कंप्लीट हुआ था बनकर। ये अपना लाइब्रेरी रहा प्रेमचंद लाइब्रेरी, इसको कहते हैं आगे जाइए, इसको प्रेमचंद लाइब्रेरी कहते हैं जो हम लोग का है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जो थे, दादा रामधारी सिंह दिनकर, यही वो जगह है जहाँ पे ऊपर का वो दिखाइएगा जो जर्जर हो गया है सब जी, यहाँ पे बैठकर वो अपना चिंतन मंथन जो भी था वो करते थे और अपनी कविताएं लिखा करते थे। तो इसमें तो किताब है ही नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बचा हुआ और जर्जर स्थिति है। तो यही है, यहाँ पे किताबों की कोई वो नहीं है, यहाँ किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये ऐसी बस नाम है लाइब्रेरी का भी जी, ऊपर में देख सकते हैं कितना जर्जर स्थिति हो गया है। हाँ, तो अगर किताब भी होगा तो भींग के सड़ जाएगा। और यहाँ देखिए लाइट का लाइट ट्यूबलाइट तो है लेकिन सारा फ्यूज हो गया है। हम लोगों ने मांग रखा है, एप्लीकेशन दिया है, फिर भी इस पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है फिलहाल तो। और बोर्ड की देखे है स्थिति क्या, ये तो सब टूटा पड़ा है। जी हाँ, अब हम लोग इंजीनियर तो है नहीं कि इसका सुधार भी हम लोग कर ले, चूंकि हम लोग के हाथ में होता है, समर्थ में होता तो हम लोग जरूर करते। गेट से ले लीजिएगा, देखिए यही था हम लोग बस यही माने पढ़ने का जो लाइब्रेरी होता है और ये हॉस्टल का है ना जी जी, तो इसमें ये सुविधा है जो आप देख रहे हैं। तो मेरा खासकर जो हम यहाँ पे परिस्थिति देखे हैं इसके बाद मैं भी ये डिमांड करता हूँ जो वीसी हैं या फिर सरकार है कि ताकि इसको जो है बचाया जाए कैसे भी करके,
यहाँ के जो हॉस्टल के छात्र हैं इनको पढ़ने में दिक्कत है, दूसरा चीज रहने में, और साफ सफाई का जो स्थिति है। अब आदमी कब तक खाना बनाएगा, जो छात्र खाना बनाएगा, खाना बनाकर पढ़ने जाएगा, उसके पास समय कहाँ बचेगा? वही समय का दुरुपयोग हो रहा है, मतलब यहाँ पे समय मिल ही नहीं पाता है छात्रों की, ताकि वो सोच सके, चिंतन कर सके और आगे का कुछ सोच सके, इन्वेंट करे, हाँ, और आगे अपने हिसाब से कुछ आगे बढ़े। हॉस्टल का पार्क है, ये हम लोग का गार्डन हुआ जिसको आर्कियोलॉजिकल गार्डन बोलते हैं। ये लगभग वही 106 साल 107 साल पुराना है हम लोग का गार्डन, और ये सारी जितनी भी मूर्तियां हैं इसमें, ये भी बहुत खास मूर्तियां हैं, इसमें देख सकते हैं इसकी कलाकृति, और वो इसका देखिए बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, ये इसका लीजिएगा जी, बहुत पुराना है। इसका भी देख रेख जो है ना, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर में, खासकर जो मिंटो हॉस्टल में अभी आए हैं, अलग अलग हॉस्टल में हमको जाना है, तो ये जर्जर स्थिति है। और अगर ऐसा सरकार इस पर अगर ऐसी करता रहे काम, तो आने वाले दिन में ये हॉस्टल बंद भी हो सकता है। बंद भी था क्या इससे पहले? जी, सील होते रहता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कोई और करता है, बदनाम ये छात्रावास होते हैं, क्योंकि बदनाम करने वाले ही अपने हैं, विश्वविद्यालय के लोग ही बदनाम करते हैं, तो हम लोग किसको कहेंगे? इसको देखने के बाद से ये लगता है कि जो सरकार है ये शिक्षा पे जो है, मतलब इसको चौपट करने का एक तरह से उनका इंटरनल है, कि कैसे शिक्षा पे हम प्रहार करें, छात्र पढ़े नहीं, आगे नहीं जाएं, या फिर हमारे समक्ष खड़ा होकर सवाल ना करें। जी, तो सरकार से मेरा डिमांड है कि जो यहाँ के मिंटो हॉस्टल हैं पटना यूनिवर्सिटी के, और इसे थोड़ा सा बेहतर बनाए, थोड़ा क्या बेहतर, पूरा बनाने की जरूरत है, ताकि छात्र गांव से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, उनको रहने में दिक्कत ना हो, और पढ़ाई करके आगे कुछ नया करें वो कनेक्शन जंक्शन पे। हरीश भाई जी, थैंक यू। और जब भी आपको कुछ ऐसा लगे तो आप हमें बुला लीजिएगा। जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल।